हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टॉपिक लेते हैं रेडियो रिसीवर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन हम उसको रिवाइज कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। आप ध्यान से मेरी बात को सुने और अपने कॉपी पेन लेकर बैठें। हम इसमें डिस्कस करते हैं कि पहले बात तो रेडियो रिसीवर है क्या, कब इसकी इन्वेंशन हुई, किसने करी, कितने टाइप्स के रेडियो रिसीवर होते हैं, उसकी क्या सेंसिटिविटी है, क्या सेलेक्टिविटी है और किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये आकाशवाणी भवन से प्रसार भारती से इसका ट्रांसमिशन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्लाइड्स आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हम एक रेडियो रिसीवर को एक बेसिक कंसेप्ट के अंदर शो किया गया है। रेडियो रिसीवर है क्या है? इस रेडियो रिसीवर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव द रेडियो वेव्स फ्रॉम एंटीना, जो कि प्रसार भारती से आकाशवाणी से ट्रांसमिट होकर पूरे सैटेलाइट्स के अंदर जो है रेडियो वेव्स आ रही है और वो रेडियो वेव्स कन्वर्ट कर रही है डिजायर्ड इंफॉर्मेशन के लिए बाय दिस यूजेबल फॉर्म्स। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जैसे हम वॉइस है, हम अपने वॉइस को माइक के जरिए जो है जिसको हम ट्रांसमिट दूसरा जो यहाँ पे यूज किया गया वो हमारा माइक है, उस माइक के जरिए हम अपने वॉइस को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा हम उसको एम्पलीफाई करते हैं और मॉड्यूलेशन करते हैं। यहाँ पे हम कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देन फिर हम उसको जो है ट्रांसमीटर के द्वारा, ट्रांसमिटिंग एंटीना के द्वारा, ट्रांसमीटर पार्ट के द्वारा हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं प्रसार भारती के एंटीना के थ्रू। फिर हम बात करते हैं अपने रेडियो रिसीवर एंड के ऊपर, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरे एनवायरनमेंट के थ्रू हमारा रेडियो रिसीवर जो है उसका एंटीना उस मॉड्यूलेटेड वेव्स को रिसीव करता है और वो मॉड्यूलेटेड वेव्स हम इसके अंदर रेडियो के ऊपर आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे बताएंगे। यहाँ पे हमने बताया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो है ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, ये सब करने के बाद फिर हम वॉइस को जो आकाशवाणी भवन में या प्रसार भारती में जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो हम अपने रेडियो रिसीवर के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टेशन को सेलेक्ट करके सुन पाते हैं। नेक्स्ट, रेडियो की जो इन्वेंशन हुई वो 1887 के अंदर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की। देन उसके बाद जो फर्स्ट रेडियो रिसीवर जो आया अलेक्जेंडर स्टेपनोविच ने किया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आधारित था। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर सबसे पहले आता है क्रिस्टल रेडियो रिसीवर, ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। हम जो आजकल रेडियो रिसीवर के अंदर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर या क्रिस्टल रेडियो रिसीवर या ट्यून रेडियो रिसीवर, इनमें डिफरेंस क्या है? ये बेसिकली जब स्टार्ट किया गया था तो क्रिस्टल और उसके अंदर रियोस्टेट में आपने देखा एक स्लाइडिंग ट्यूनिंग कॉइल लगी हुई है, एंटीना कॉइल लगी हुई है और हमारा हेडफोन लगा हुआ है। इसके द्वारा हमने बेसिक कि हमारी किस प्रकार से वेव वो रिसीव करता है और हम उसको डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर के द्वारा, जो हमारी मैग्नेटिक वेव्स उसको डायरेक्ट डिटेक्टर के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं और ऑडियो को सुनते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर यहाँ पर ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, यहाँ पे आप वेव देख रहे हैं रिसीविंग एंटीना। सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, क्योंकि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होकर आया है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते आया है, जितनी स्ट्रेंथ वहां से प्रसार भारती से ट्रांसमिट हुई थी वो रास्ते में आते 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 वीक हो जाती है। हम उसको पहले जितना लेवल पर सिग्नल वहां से ट्रांसमिट हुआ था उतने ही लेवल का सिग्नल अपने रेडियो रिसीवर के स्टेज के अंदर हम यहाँ पे एम्पलीफाई कर लेते हैं इन थ्री रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर स्टेज के अंदर। देन फिर हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम डिटेक्टर स्टेज को दे देते हैं और डिटेक्टर स्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था,
वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो कैरियर वेव साइज थी वो यहाँ पे आके डिटेक्ट हो जाती है और हमारा ऑडियो सिग्नल जो है ऑडियो एम्पलीफायर और साउंड आउटपुट पावर एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होते हैं, हम लाउड स्पीकर को दे देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की, जो हमारा बेसिक आज जो यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसमें जो आता है एंटीना, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है वो हमारा रेडियो रिसीवर का एंटीना उसको रिसीव करता है। फिर हम उसको एक पर्टिकुलर स्टेशन को सेलेक्ट करके ट्यून सर्किट के द्वारा उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को हम एम्पलीफाई करते हैं और लोकल ऑसिलेटर एंड इनकमिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी को मिक्स करके मिक्सचर स्टेज के अंदर एक थर्ड फ्रिक्वेंसी जो है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के बाद हम आती हमारी डिटेक्टर स्टेज, जो कि उस वेव्स में से अपने डिजायर्ड ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करता है और कैरियर वेव जो है यहाँ पे सारी की सारी ग्राउंड कर दी जाती है डिटेक्टर स्टेज के अंदर। फिर वो सेलेक्टेड ऑडियो सिग्नल जो है हम ऑडियो एम्पलीफायर स्टेज को देते हैं। फिर एक स्टेज, दो स्टेज, थ्री स्टेज एज पर डिजायर्ड हम एम्पलीफायर के स्टेजेस कनेक्ट करते हैं। फिर हम साउंड आउटपुट एम्पलीफायर, जिसको हम पावर एम्पलीफायर बोल देते हैं, और यहाँ पे हम क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर यूज करते हैं। हाफ साइकिल को एक ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट हाफ साइकिल को दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करके फिर हम अपने उस एम्पलीफायर सिग्नल को स्पीकर को दे देते हैं। इसका हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर ब्लॉक डायग्राम के जरिए हम इसको बताते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले एंटीना, देन एंटीना के बाद आरएफ एम्पलीफायर, लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर, ये कंबाइंड स्टेज हो गई। उसके बाद उसको उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को हमने आईएफ फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। आईएफ फ्रिक्वेंसी के भी हम यहाँ पे हम एक स्टेज, दो स्टेज, जितनी जरूरत होती है हम स्टेजेस यूज करते हैं। जनरली थ्री स्टेजेस के अंदर यूज किया जाता है। देन उसके बाद वही आईएफ सिग्नल जो है डिटेक्टर स्टेज को देते हैं। डिटेक्टर स्टेज उसमें से जो कैरियर वेव्स उस सिग्नल को लेकर आई थी उसको अलग कर देता है, और अलग करने के बाद ऑडियो एम्पलीफायर स्टेजेस को हम दे देते हैं। ऑडियो एम्पलीफायर स्टेजेस उसको एम्पलीफाई करके एक स्टेज में, दो स्टेज में या थ्री स्टेजेस के अंदर भी आउटपुट एम्पलीफायर ऑडियो जो क्लास भी हम यूज करते हैं फिर हम लाउड स्पीकर को दे देते हैं। यहाँ पे ब्लॉक के अंदर एजीसी शो किया गया है, एजीसी मीन ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये एजीसी सेक्शन जो है डिटेक्टर के बाद यूज करते हैं, और इसका पर्पस क्या है कि अगर कोई इनकमिंग सिग्नल पीछे से जो आया है वो हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो हमारा आईएफ स्टेज या आरएफ स्टेज उसको थोड़ा कम एम्पलीफाई करे। बट अगर जो ट्रांसमिशन हमारे एंटीना ने रिसीव किया है उसकी स्ट्रेंथ वीक है तो ये आरएफ एम्पलीफायर या आईएफ एम्पलीफायर उसको ज्यादा एम्पलीफाई करे। ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल जो है डिटेक्टर के बाद आरएफ और आईएफ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम बात करते हैं आरएफ एम्पलीफायर की, जो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर की पहली स्टेज होती है। दिस सर्किट कैन बी एडजस्टेड ट्यून्ड टू सेलेक्ट एंड एम्पलीफाई एनी कैरियर फ्रिक्वेंसी विद इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड्स के अंदर, एंड सेलेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है उसको फिर वो एम्पलीफाई करके और आगे एम्पलीफायर स्टेज उसको एम्पलीफाई करती है। नेक्स्ट मिक्सचर स्टेज का क्या काम होता है। मिक्सर स्टेज जो है जो इनकमिंग आरएफ फ्रिक्वेंसी थी और जो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी थी उन दोनों को वो हेटेरोडाइन करती है, हेटेरोडाइन करके वो आईएफ के अंदर कन्वर्ट करती है। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारी सेलेक्टेड आरएफ फ्रिक्वेंसी है वो 1000 किलोहर्ट्ज की है, तो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो है इस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए 1455 किलोहर्ट्ज की, इट मींस 1000 में 455 किलोहर्ट्ज अबव, तो आईएफ फ्रिक्वेंसी जो है जो हमारी बन जाएगी वो इन दोनों को ऐड करके 2455 किलोहर्ट्ज की, और फिर हम उसका डिफरेंस अगर ले तो हमारी आईएफ फ्रिक्वेंसी जो है 455 किलोहर्ट्ज की हम रिसीव करते हैं। मीडियम वेव जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 535 किलोहर्ट्ज से 1605 किलोहर्ट्ज तक की,
और FM बैंड जो ट्रांसमिट होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ का। नेक्स्ट, इस पहले स्टेज के अंदर हम अरब सेक्शन, मिक्सर स्टेज और लोकल सेक्शन शो किया गया है। आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंटीना कॉइल के साथ एक ट्रिमर भी लगा हुआ है और नीचे गैंग कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम पीवीसी का गैंग कैपेसिटर है 2J। ये एक गैंग, इस गैंग कैपेसिटर के अंदर दो कैपेसिटर है। वन पार्ट जो है गैंग कैपेसिटर का वो एंटीना कॉइल के साथ पैरेलल टैंक सर्किट बना रहा है और दूसरा पार्ट जो है गैंग कैपेसिटर का वो ऑसिलेटर कॉइल के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में टैंक सर्किट बना रहा है। तो जो हम सिग्नल को, पर्टिकुलर स्टेशन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं CG1 के द्वारा, वो हमारा सिग्नल जो है सिलेक्टेड सिग्नल कपलिंग कैपेसिटर C1 आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे RF एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर के लिए BF194B यूज किया गया है, उसके बेस पर हम सिग्नल देते हैं। और इधर से जो गैंग कैपेसिटर 2 है वो ऑसिलेटर कॉइल और ये CG2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो है इस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए जो सिलेक्ट की गई है उसके लिए बनाता है और वो हम एमिटर पे फीड करते हैं। इसकी हेटरोडाइनिंग होती है और फिर हम इसको कलेक्टर के द्वारा नेक्स्ट स्टेज को भेज देते हैं। नेक्स्ट, अभी मैं आप इसके बाद थोड़ा कंटिन्यू करता हूं अभी के लिए। अब स्टूडेंट्स, आपने रेडियो रिसीवर की ये फर्स्ट स्टेज समझी। अब इससे आगे की मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं ताकि ये वीडियो की जो बड़ी ना हो जाए रिकॉर्डिंग।